इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन में, और वृंदावन का पोलिंग बूथ है हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज, जो कि आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं। ये हमारे यहाँ हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज का पोलिंग बूथ है, जहाँ पर लोग बाग दूर दूर से आ रहे हैं, आज मतदान कर रहे हैं। और जनता की ही इच्छा से बनेगी सरकार, और जनता किसको चुनने जा रही है ये आज देख रहे हैं। और यहाँ पहले वोटिंग डाली जा रही है, 10 मार्च को इसका फैसला आना है। और आप देख सकते हैं लोगों में किस तरीके से उत्साह है कि वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए लोगों में काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से यहाँ लोग आते जा रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत सही की गई है, आपको लगातार पहले चेकिंग के दौरान ही आप अंदर जा सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स भी, पुलिस बल भी काफ़ी यहाँ लगाया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा मीडिया को भारी रोक दिया गया है, इस कारण से हम आपको अंदर की सीधी तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोग बाग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदान करने के बाद जुड़े हैं महाराज, आइए इनसे जानते हैं क्या रहा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। आज आप यहाँ पोलिंग बूथ पे आए हैं, कौन सा पोलिंग बूथ है? हमारे 43 नंबर बूथ है। तो आपने आज किसको वोट डाला है? जी किसको डाला, क्या डाला, वो तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी संविधान, स्वतंत्रता और हमारी अधिकार, ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के कहने से नहीं। आपने वोट डाला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब बढ़िया, खूब आनंद, और माहौल भी बहुत शांत, वातावरण बहुत शांति से मतदान किए। क्या पहले भी ऐसी शांति और ऐसा ही व्यवस्था देखने को मिलती थी पोलिंग बूथों पे? जी ऐसे तो मिलती थी, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अलग महसूस किया गया, क्योंकि खूब सुरक्षा, खूब शांति, खूब व्यवस्था भी अच्छे है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मक्का नहीं, कोई हल्ला हुला नहीं, बहुत शांति से हुए। जी महाराज, क्या नाम है आपका? ठीक है, हम सुबोल दास। तो आज आपने वोट डाला है, कैसी व्यवस्था रही, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इन व्यवस्थाओं को देखकर? नहीं, अच्छा है, सब सुविधा है, कोई ऐसा असुविधा कुछ है नहीं। किसको, किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? देखो हमारा तो योगी जी है, और क्या है, योगी जी को पुनः देखना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए जैसा कि श्री राधे, जैसा कि हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग अभी मतदान करके आ रहे हैं, लोगों में भारी उत्सुकता भी है और लगातार लोग आते जा रहे हैं मतदान करने के लिए, और कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी हमने मिलवाया जो मतदान करके आ चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ समाचार 24। ऋतिक अग्रवाल, ब्यूरो चीफ, मथुरा।